मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। एनआरसी और सीएबी के विरोध में पूरा देश है, मगर इसके बावजूद सरकार नागरिकता संशोधन बिल और एनआरसी ला रही है। देश भर में इस बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आरोप लग रहा है कि बिल धर्म जाति के नाम पर लोगों को विभाजित किया जा रहा है। सिटीजन अमेंडमेंट बिल को गलत दिशा में बढ़ाए जाने वाला खतरनाक कदम बताया जा रहा है, इसलिए आज मुंब्रा में भी एनआरसी और सीएबी के बिल के खिलाफ एसडीपीआई के लोगों के साथ मुंब्रा के तमाम लोगों ने बिल के खिलाफ मुंब्रा रेलवे स्टेशन पर विरोध किया। इस दौरान बिल की कुछ कॉपियां भी जलाई गई। आरोप ये भी लग रहा है कि सरकार जो बिल ला रही है ये बिल अल्पसंख्यकों के हित में नहीं है, जिसकी वजह से इस बिल पर घमासान मचा हुआ है। लगभग पूरे देश में इस बिल को लेकर विरोध हो रहा है। डेमोक्रेसी के खिलाफ है, डेमोक्रेसी जो कानून के खिलाफ है, डेमोक्रेसी इंसाफ के खिलाफ है। हुकूमत जो हम पर ये जो बिना वजह जो बेतहाशा जो बिल है, ये जो जो एनआरसी है, जो सीएबी कैब है, वो जो हम पर बिला वजह जो थोप रही है, हम इसकी बेशक मुखालिफत करना चाहते हैं और इसमें ख्वातीन का पूरा पूरा सपोर्ट होगा। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, नहीं चलेगी। आज किस लिए यहाँ पे प्रोटेस्ट किया गया है? ये प्रोटेस्ट जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पूरे महाराष्ट्र में और पूरे हिंदुस्तान में कर रहे हैं। इस प्रोटेस्ट के ज़रिए से हम हुकूमत को ये बता रहे हैं कि जो ये कैब के अंदर जो अमेंडमेंट कर ये लोग इस बिल को ला रहे हैं, इस बिल को जो हम बायकॉट करते हैं और इस बिल को जो है खिलाफ जो है हम है और इसको हम नामंजूर कर रहे हैं। और आर्टिकल 15 अगर आप पढ़ोगे तो आर्टिकल 14 है राइट टू इक्वालिटी, और आर्टिकल 15 जो है वो है राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, मतलब हर एक आदमी को इक्वल हक है और हर एक आदमी को अपनी रिलीजन पर अमल करने की पूरी क्या है आज़ादी है। ये बिल जो है सरासर बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करता है, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन को के खिलाफ है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।